हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी कंसेप्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज़ अ हेल्थ? हेल्थ यानी कि हेल्दी पर्सन किसको बोलेंगे, हेल्दी पर्सन किसको बोलेंगे? वैसे पर्सन जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिजीज, अब्सेंस ऑफ डिजीज हो, तो क्या वो हेल्दी पर्सन होंगे? नो, वो हेल्दी पर्सन नहीं होंगे। क्योंकि हेल्दी पर्सन उसको बोलते हैं जो सोशली, बिहेवियरली, है ना, फिजिकली और मेंटली, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, सोशली, बिहेवियरली, हर तरह से क्या हो, हेल्दी हो, ठीक है, हर तरह से हेल्दी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन, दैट इज़ अ हेल्दी पर्सन, ठीक है, समझ में आ गया। सो डिजीज जो कॉज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। एजेंट को क्या बोलते हैं बायो में, पैथोजेंस, ठीक है, पैथोजेंस। सो हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी कि ह्यूमन में कई तरह के डिजीज पाए जाते हैं, कई तरह के डिफरेंट डिजीज पाए जाते हैं। सो हमारे NCERT बायोलॉजी में क्लास 12 का चैप्टर है ये एट, ठीक है। तो वही हम लोग आज पढ़ेंगे डिजीज, जैसे कि बैक्टीरिया के द्वारा जो कॉज होते हैं, ठीक है, उसको बैक्टीरियल डिजीज, वायरस के द्वारा जो कॉज होते हैं तो वायरल डिजीज, ठीक है, हेलमिन्स के द्वारा जो कॉज होते हैं हेलमिन्स डिजीज, प्रोटोजोवा के द्वारा जो कॉज होते हैं तो प्रोटोजोवंस डिजीज, ठीक है। वही अलग अलग कैटेगराइज में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं वायरल बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज। सो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज क्या है हमारा, टाइफाइड, जो बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत कॉमन है। और टाइफाइड में क्या होता है ना, फीवर सस्टेन रहता है, कंटिन्यूस फीवर रहता है, उसमें वीकनेस होता है, फीवर रहता है, ठीक है। और ये किससे फैलता है टाइफाइड, टाइफाइड आपका फैलता है दूषित पानी, यानी कि जो पानी क्या है, दूषित है, यानी कि कंटामिनेटेड वाटर्स, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड से क्या होता है, टाइफाइड फैलता है, ठीक है। टाइफाइड जिसके द्वारा, जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, उसको क्या बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफी। तो हम लोग लिख लेते हैं टाइफाइड कॉज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला, पेन को क्या हो गया, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, राइट। तो टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। सो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर में, कॉन्टामिनेटेड फूड में, जैसे कि गुपचुप आप खाते हो तो गुपचुप में भी टाइफाइड के बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्टामिनेटेड है, ठीक है। सो इसका अगर टेस्ट करना हो, तो हम डायग्नोज करना हो, किसी को कंटिन्यूस फीवर हो रहा हो, वीकनेस हो रहा हो, चक्कर आ रहा हो, ठीक है, तो उसे तो चेकअप कराना होगा, तो चेकअप कराना होगा, तो हम डायग्नोसिस करने जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा टेस्ट करता है, विडाल टेस्ट, कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट, ठीक है। विडाल टेस्ट में अगर पॉजिटिव आया तो क्या है, टाइफाइड है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर कितना रहता है, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूस फीवर रहता है, ठीक है, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो दिस अबाउट द टाइफाइड। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियल डिजीज जो NCERT में है, ये हमारा NCERT में दिया हुआ। नेक्स्ट हमारा डिजीज है निमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया, जो निमोनिया डिजीज है, न्यूमोनिया डिजीज जो अक्सर क्या छोटे बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। निमोनिया में क्या होता है ना, कि एल्वेलाई में वाटर बढ़ जाता है, जिसके कारण बच्चे जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, जिसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम के कारण डेथ हो जाती है। निमोनिया किसके द्वारा काज होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, राइट, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। सो नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड, निमोनिया और फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा काज होता है, फूड पॉइजनिंग, ठीक है,
foot by in the call the Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. ठीक है, फूड पॉइजनिंग का पॉजिटिव एजेंट क्या है? Clostridium botulinum. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियल डिजीज. कौन? सो सॉरी गाइस, मुझे जाना पड़ा 1 मिनट के लिए. सो लेट्स कंटिन्यू. फूड पॉइजनिंग का क्या पॉजिटिव एजेंट है? Clostridium botulinum. ठीक है, ये क्या है? सब बैक्टीरियल डिजीज है. ठीक है, राइट. सो राइट डाउन करते जाना. दिस आर द इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अक्सर ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. कोई भी एग्जाम्स हो, TGT, PGT, नीट, कोई भी एग्जाम्स हो, वो अक्सर ये कॉमन क्वेश्चन, दिस आर द कॉमन क्वेश्चन. सो नेक्स्ट है हमारा सिफिलिस. राइट, सिफिलिस. One minute, I will check spelling of syphilis. Right. मैं सही थी. Syphilis, ठीक है. तो syphilis किसे काउंस होता है? Syphilis ये एक सेक्सुअल डिजीज है. किसे काउंस होता है? Treponema pallidum. ठीक है, syphilis काउंस बता Treponema पैलाडियम. ट्रिपोनीमा पैलाडियम. ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलाडियम एक बैक्टीरिया है जिसे क्या काउज होता है? सीफ्रिस डिजीज काउज होता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है? टाइफाइड, निमोनिया, फूड पॉइजनिंग. हाँ, टीवी, ट्यूबर क्लोसिस. टीवी का नाम सुना ही होगा, ट्यूबर क्लोसिस. टीवी ये माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस से काउज होता है. ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जिसे क्या कॉज होता है? ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी डिजीज. ठीक है, टीबी डिजीज किसे कॉज होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ज़्यादा छोटा लिख दिया मैंने, 1 मिनट. माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस. राइट, सो दीज ऑल आर द बैक्टीरियल डिजीज. ठीक है, जो बैक्टीरिया से कॉज होते हैं. नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं वायरल डिजीज. राइट, हम लोग देखते हैं जो वायरस से कॉज होते हैं, जो डिजीज वायरस के द्वारा कॉज होते हैं उसे क्या बोलते हैं? वायरल डिजीज. ठीक है, वायरस से जो कॉज होते हैं क्या कहते हैं? वायरल डिजीज. सो मैं देखती हूँ नेक्स्ट. वायरल डिजीज. सो वायरल डिजीज में सबसे फर्स्ट डिजीज है कॉमन कॉल्ड. डू यू नो कॉमन कॉल्ड? कॉमन कॉल्ड सर्दी. ठीक है, राइट. कॉमन कॉल्ड दिस इज कॉज्ड बाय द विच वायरस? रीनो वायरस. ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन डिजीज. राइनो वायरस. राइट, राइनो वायरस. सो राइनो आई होता है ना, कॉमन कॉल्ड. दिस इज अ वेरी कॉमन डिजीज दैट आर जो वायरस के द्वारा कॉज होता है, दैट इज अ रीनो वायरस जिसे हम लोग सर्दी बोलते हैं. ठीक है, तो ये कॉज कैसे होता है? ये इन्फेक्टेड टॉवल यूज कर लिया. ठीक है, जिसे सर्दी उसका टॉवल यूज कर लिया, उसका क्लोथ यूज कर लिया. ठीक है, उसके अपने मतलब एक साथ अपने खाना खाया. ठीक है, एक साथ खाना खा लिया, उससे भी फैलते हैं. तो कॉमन कॉल्ड बहुत ही कॉमन डिजीज है एंड बहुत ही जल्दी से एक दूसरे में फैलता है. ठीक है, इसलिए जब भी अगर बचना हो और इसमें स्नीजिंग होता है, कफिंग होता है, इसका सिम्टम्स है स्नीजिंग, कफिंग. ठीक है, और
कभी कभी बढ़ जाता है तो खांसी भी होने लगता है, खांसी के साथ बलगम भी आता है, ठीक है, कफ हो जाता है ना। सो दिस इज द कॉमन कोल्ड, ये वायरल डिजीज का और भी है, मिजिल्स है, मिजिल्स वायरस से होता है, मम्स है, मम्स वायरस से होता है, रेबीज, रेबीज वायरस जो डॉग के काटने से रेबीज वायरस होता है, मम्स में क्या होता है ना, मम्स जो मम्स वायरस होता है जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या होता है, लार्ज हो जाते हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स लार्ज होता है। ये भी क्या कॉन्टामिनेटेड डिजीज है, वायरल है, फैल जाएगा। गलसुआ सुना होगा, गलसुआ हिंदी में बोलते हैं मम्स, जो हम लोग यहाँ पट्टी चिपकाते हैं, ठीक है, तो उससे भी बच के रहना चाहिए, वो सारे के सारे वायरल डिजीज है, ठीक है। सो लिख लेते हम लोग, मम्स 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 वायरस, मम्स कॉज बाय द मम्स वायरस, मम्स वायरस, मम्स वायरस, ठीक है। एक और है हमारा पोलियो, पोलियो डिजीज सुना है ना, पोलियो, पोलियो किसे कहा जाता है, पोलियो वायरस, ठीक है, याद करने में आसानी होगी, पोलियो वायरस, राइट, पोलियो किसे कहा जाता है, पोलियो वायरस से, मम्स वायरस से, रेबीज, रेबीज वायरस से। सो ये इजी है थोड़ा, है ना, आसानी से आपको याद हो जाएगा। और ये रेबीज वायरस से, ठीक है, डेंगू, डेंगू वायरस से, डेंगू किससे कहा जाता है, डेंगू वायरस से, सिंपल है। सो एनसीईआरटी में तो हमारा एक ही दिया, कॉमन कोल्ड दैट इज अ कॉज बाय द रिनो वायरस, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अब वायरल डिजीज हो गया, नेक्स्ट हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, प्रोटोजोवंस डिजीज, ठीक है, जो प्रोटोजोवा के द्वारा कॉज होता है, सो उसको क्या होता है, प्रोटोजोवंस डिजीज, प्रोटोजोवंस, प्रोटोजोवंस डिजीज लिखो, राइट करो, राइट डाउन करो, प्रोटोजोवंस डिजीज, ठीक है। तो प्रोटोजोवंस डिजीज का पहला कौन सा होगा, सबसे कॉमन, वेरी कॉमन, विच इज मलेरिया, राइट, मलेरिया, मलेरिया, ये जो मलेरिया डिजीज है, कौन सा प्रोटोजोआ से कॉज होता है, प्लाज्मोडियम, राइट, प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम एक क्या है, प्रोटोजोआ है, जो कौन सा डिजीज कॉज करता है, मलेरिया। और ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, इसका करियर कौन है, करियर कौन है, करियर इसका कौन है, फीमेल एनोफिलीस मॉस्क्यूटो, राइट, फीमेल करियर कौन है, फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, राइट, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, फीमेल ही क्यों, मेल क्यों नहीं है, हाँ है ना, मेल क्यों नहीं फैला सकता है, क्योंकि फीमेल क्या लाइक करती है, खून को पीना लाइक करती है, खून, राइट, सही है ना, फीमेल खून पीना पसंद करती है, इसीलिए वो क्या करती है, खून पीती है, इसीलिए वो करियर है प्लाज्मोडियम की, प्रोटोजोवंस प्लाज्मोडियम की करियर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, जबकि मेल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मेल खून पीना नहीं पसंद करता, मेल क्या अपना फूड कहाँ से लेता है, फ्लावर का, फ्लावर से वो अपना फूड लेता है, फ्लावर का जूस पीता है वो, लेकिन फीमेल क्या खून पीती है, इसलिए मेल करियर नहीं है, फीमेल करियर है, राइट, फीमेल एनोफिलीज करियर होता है, ना कि मेल। सो मलेरिया प्लाज्मोडियम से कॉज होता है, प्लाज्मोडियम्स के चार स्पेसीज है, कौन कौन, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम पी वाइवैक्स, पी फैल्सिपेरम, पी मलेरी, पी ओवेल, ठीक है, चार इसके क्या है, चार स्पेसीज है, ठीक है, चारों अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं, चारों अलग अलग डिजीज काउज करते हैं, ठीक है, सबसे खतरनाक है पी फेल्सीपेरम, मैलिग्नेंट मलेरिया, दैट वाज, दैट इज वेरी डेंजरस, राइट। सो दिस वाज द मलेरियल डिजीज। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया के बाद और कौन सा प्रोटोजोन डिजीज है, अमीबा, अमीबिएशिस, अमीबिएशिस, ठीक है,
इसको हम लोग मलेरिया को फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स इसके लाइफ साइकिल के साथ उसका लाइफ साइकिल के साथ उसके हर एक स्टेज को पढ़ेंगे, ठीक है। और मलेरिया कैसे कॉज होता है, उसका सिम्टम, उसके क्योर, उसका ट्रीटमेंट, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग को इतना ही देखना है कि कौन कौन से कॉजिटिव एजेंट है और डिजीज के नेम, ठीक है, राइट। सो अमीबियसिस किससे कॉज होता है? अमीबिक डिसेंट्री, राइट। अमीबिक डिसेंट्री, डिसेंटरी, राइट। अमीबिक डिसेंट्री से क्या होता है? अमीबियसिस कॉज होता है। ये भी कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर से होता है, डायरिया हो जाता है इसमें, ठीक है, डायरिया हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, बॉडी में फीवर रहता है, राइट। उसमें भी मलेरिया में फीवर होता है, सो फीवर तो आता है जाता है। तो उसको डिटेल्स में इसका सिम्टम्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अमीबा अमीबियसिस जो डिजीज होता है, अमीबिक डिसेंट्री एंड अमीबिक डिसेंट्री, वन मिनट वेट एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा कॉज होता है, अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। अच्छा सॉरी, अमीबियसिस को हम लोग अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, कॉज होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट कौन है? एंटामीबा, है ना, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, सॉरी। अमीबियसिस को क्या बोलते हैं? अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। अमीबियसिस को अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरिया हो जाता है, पेट में क्या होता है, डायरिया हो जाता है, स्टूल के साथ क्या होता है, एक्सेस म्यूकस होता है, ब्लड होता है, ठीक है, बॉडी पूरा वीक, एब्डोमेन पेन होने लगता है ना। सो दैट दिस डिजीज इज वेरी पेनफुल डिजीज, यू कैन से। सो अमीबियसिस किसे कॉल होता है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, राइट। सो दिस टू आर द प्रोटोजोअन्स डिजीज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हेलमिंस डिजीज, राइट। नेक्स्ट हेलमिंस डिजीज, सो जो हेलमिंस के द्वारा, हेलमिंस यू नो हेलमिंस वॉर्म्स, ठीक है, राइट। हेलमिंस क्या है? वॉर्म्स है, वॉर्म्स। हेलमिंस क्या है? एक वॉर्म्स है, हेलमिंस डिजीज। हेलमिंस डिजीज किससे कॉज होता है? वॉर्म्स से कॉज होता है। जो सबसे पहले कौन सा है? स्कैरियसिस किससे कॉज होता है? स्कैरियसिस किससे कॉज होता है? एक मिनट, सो रिफिल खत्म हो गया, तो फिर मैंने रिफिल किया, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा स्कैरियसिस, ठीक है। हेलमिंस डिजीज में फर्स्ट वॉर्म्स के द्वारा जो कॉज होता है कौन सा है? स्कैरियसिस डिजीज, राइट। स्कैरियसिस किसके द्वारा कॉज होता है? स्कैरिस वॉर्म्स के द्वारा, ठीक है। स्कैरिस वॉर्म, स्कैरिस को हम क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। कॉमन नेम्स क्या है स्कैरिस का? राउंड वॉर्म्स, ठीक है। स्कैरियसिस, राइट। स्कैरियसिस किससे कॉज होता है? एस्कैरिस से कॉज होता है, और रिंग वॉर्म, ठीक है। रिंग वॉर्म ये कैसे कॉज होता है? रिंग वॉर्म से। रिंग वॉर्म आता कहाँ है? देखो क्या होता है ना, इन्फेक्टेड पर्सन्स के बॉडी में रहता है, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन्स के बॉडी में है क्या? वॉर्म्स है, ठीक है। वॉर्म्स क्या होता है? कोई क्या किया, स्टूल कर दिया जाके खेत में, ठीक है, खेत में कहीं बाहर एरिया में जाके कर दिया, ठीक है। वहाँ पे क्या किया, सॉइल में चला गया, सॉइल में स्टूल चला गया, और सॉइल में चला गया तो क्या वहाँ पर, मान के चलो फिर आगे चल के वहाँ पर क्या हुआ, लगाया गया पेड़ पौधा, कोई प्लांट लगाया गया वहाँ पर, कोई प्लांट लगाया गया, प्लांट से क्या हो गया, फ्रूट में आ गए, ठीक है।
उसके वॉर्म्स के कहाँ सॉइल के द्वारा, उसके रूट के द्वारा फ्रूट में आ गए। अब वही फ्रूट हम लोग खा गए, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, उसके लार्वे हमारे बॉडी में आ गए। सिंपल है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, बेयर फूट हम लोग जाते हैं, बेयर फूट भी जाते हैं सॉइल पे, और बेयर फूट में जब हमारा लेग है, लेग किसी किसी के लेग फटे हुए होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी उसके लार्वे या उसके एग्स एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए बार में मना किया जाता है कि बाहर शौच घर में ही करें, बाहर ना जाएं, ठीक है, बेयर फुट ना जाएं सॉइल पे, बेयर फुट ना जाएं, बिना स्लीपर के ना जाएं, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन होने का चांस है, ठीक है। समझ में आ गया स्कैरियसिस डिजीज कैसे फैलता है, ठीक है, और स्कैरियसिस डिजीज स्कैरिस और रिंग वॉर्म के द्वारा कॉज होता है, ठीक है। कॉजिटिव एजेंट्स क्या है, हैं कॉजिटिव एजेंट्स क्या है, व्हाट इज अ कॉजिटिव एजेंट्स। तो कॉजिटिव एजेंट्स समझ में आ गया कि फ्रूट्स के द्वारा फैल सकते हैं, इन्फेक्टेड फ्रूट तो इन्फेक्ट हो गया ना, इन्फेक्टेड फ्रूट से फैल सकते हैं, क्योंकि ये हेलनेस डिजीज है, कॉन्टामिनेट तो है नहीं, सो इन्फेक्टेड फ्रूट से ये फैल सकते हैं। तो इन्फेक्टेड फ्रूट वगैरह सब क्या हो गए, इसके पॉजिटिव एजेंट्स हो गए, इन्फेक्टेड सॉइल हो गया, है ना, तो ये हो गया। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं, ये डिजीज होने से क्या क्या सिम्टम्स हमारे बॉडी में हो सकते हैं, तो आपको हो सकते हैं मस्कुलर पेन, ठीक है, मस्कुलर पेन, फीवर, डायरिया, वेट लॉस होने लगेगा, ठीक है, वेट लॉस होने लगेगा, मस्कुलर पेन, डायरिया, ETC, तो बहुत तरह के आपको सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे, आपके बॉडी वीकनेस आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द सिम्टम्स। और नेक्स्ट हम लोग का स्कैरियसिस के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, एक और है जो वेरी कॉमन है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, एलिफेंटियसिस, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटियसिस और फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरियासिस या फाइलेरिया, एलिफेंटियसिस। तो एलिफेंटियसिस किसे कॉज होता है, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, दो है, उचरेरिया मलाई और उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। तो ये दो इसके वॉर्म है, दो स्पेसीज वॉर्म के दो स्पेसीज है, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, उचरेरिया मलाई, है ना, एक मिनट। सो एवरीवन, एलिफेंटियसिस किसे कहा जाता है, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और उचरेरिया मलाई से, ठीक है। सो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ना, है ना, लिख लेते हैं एलिफेंटियसिस उचरेरिया वॉकेरिया, ऐसे भी बोल सकते हैं, वॉकेरिया सही है स्पेलिंग, है ना, बैंक्रॉफ्टी उचरेरिया मलाई, ठीक है, दो स्पेसीज है, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और उचरेरिया मलाई, इसके उधर क्या होता है, एलिफेंटियसिस फाइलेरिया डिजीज कॉल होता है। इसमें देखते हैं किसी का हाथी पाँव दिख रहा है, हाथी पाँव पूरे एक पाँव फूल जाएंगे, पूरे फूल जाएंगे, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गेन्स फूल जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएंगे, पूरे डिफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, बड़ा मोटा हाथी जैसा हो जाता है, सही बता रही हूँ। सो ये डिजीज एकदम से भयानक डिजीज है, खतरनाक डिजीज है, ठीक है। सो हम लोग को सावधानी बरतना चाहिए, ठीक है, जो सावधानी बताया जाता है वो हम लोग को सावधानी बरतना चाहिए, ये सब डिजीज से होने से बचने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। हम लोग का बायो बैकग्राउंड है, तो हम लोग को और अपने आप को बायो है, तो अपने आप को जितना हो सके हेल्दी रखो, क्योंकि बायो तो हम लोग को और अवेयरनेस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पूरा नॉलेज दिया जाता है अपने हेल्थ के ऊपर, कैसे ध्यान रखना है, कैसे फैलता है, हम लोग को हर एक चीज़ का डिटेल में नॉलेज दिया जाता है, तो एटलीस्ट
हम लोग को बायो बैकग्राउंड वालों को अपना रखना चाहिए हेल्थ का ध्यान। बायो बैकग्राउंड वाले नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे हम लोग, क्योंकि डिटेल भी इतना पढ़ते हैं तो हम लोग को अपना ध्यान रखना ही चाहिए। सो दिस इज द मलाई एंड सॉरी यहाँ पे वाके रेरिया होगा, वाके रेरिया कुछ रेरिया वाके रेरिया, एक बार देख लेती हूँ मैं। अरे यार कहाँ गया, ठीक है ना। फाइलेरियासिस को लिख दो ठीक है, तो एलिफेंटियासिस डिजीज और फाइलेरियासिस डिजीज किससे कॉज होता है? वॉकेरिया बैंक्रॉफ्टी और बैक्टीरिया मलाई से कॉज होता है ठीक है। इस डिजीज का तो सिम्टम बता दिया कि हाथी पांव हो गया ठीक है, जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं और डिफॉर्म्स हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है और आपका डिफॉर्म्स हो जाते हैं ये और ये, किसके द्वारा कॉज होता है ये तो पता ही दिए। कैरियर क्या होता है? फीमेल एंड फीमेल फिलक्स मॉस्क्यूटो, इसका कैरियर क्या होता है? कैरियर कौन होता है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो ठीक है। तो फाइलेरिया डिजीज है, एलिफेंटेसिस डिजीज है, किससे कॉज होता है? मॉस्क्यूटो से। कौन मॉस्क्यूटो? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स राइट, क्यूलेक्स। और डेंगू जो है वो डेंगू वायरस से होता है, वो फीमेल एडिस एजेप्टी से कॉज होता है ठीक है। एडिस एजेप्टी डेंगू एडिस एजेप्टी से, जबकि एलिफेंटेसिस क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो से कॉज होता है ठीक है। ये करियर है, ये क्या करता है? इसको जो उचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है ना, हेलमिन स्वॉर्म्स, उसको क्या करता है? ये क्यूलेक्स कैरी करता है अपने बॉडी में ठीक है, कैरी करता है। उसका काम है केवल कैरी करना, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है ठीक है, हेलमिन से कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको जाके क्या किया, डंक किया मॉस्क्यूटो, डंक किया और डंक किया उसका जो लार्वी था, उसका ब्लड में जो हेलमिन थे, वॉर्म्स थे, उसके एग्स थे, उसको अपने मुंह में ले लिया ठीक है, और किसी हेल्दी अनहेल्दी से लिया और हेल्दी को क्या किया, जाके फिर से डंक मारा, तो उसके जो लार्वी में, उसके मुंह में, उसके स्लाइवरी ग्लैंड में जो थे एग्स, वो क्या किया वहाँ रिलीज कर दिया ना, डंक मारते टाइम अपना रिलीज कर दिया लार्वा, अब वो क्या हो गया, वो भी अनहेल्दी हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तो कैरियर हुआ ना, कैसे कैरियर हुआ समझ में आया? कैरियर मतलब कैरी करने वाला, किसको? इन्फेक्शन को कैरी करने वाला ठीक है, कैरियर को होता है ठीक है। इन्फेक्शन को जो कैरी करता है, उचेरिया बैंक्रॉफ्टी क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसको कैरी करता है, तो कैरियर कहलाता है ठीक है, समझ आ गया। तो ये था हेलमिन्स डिजीज। नेक्स्ट है हमारा, हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? बैक्टीरियल डिजीज पढ़ लिया, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन्स डिजीज और हेलमिन्स डिजीज ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन सा पढ़े? टाइफाइड पढ़े, साल्मोनेला टाइफी से ठीक है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, और उसमें और कौन सा पढ़े हम लोग? टाइफाइड पढ़े, सिफिलिस पढ़े है ना, टीबी पढ़े, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया पढ़े, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कौन सा पढ़े? वायरल डिजीज पढ़े, कॉमन कॉल्ड, मम्स, मिजल्स, पोलियो, डेंगू वायरस ठीक है, ये सब वायरल डिजीज हो गया। नेक्स्ट हम लोग कौन सा पढ़े? नेक्स्ट हम लोग पढ़े
प्रोटोजोन्स डिजीज, प्रोटोजोन्स डिजीज में कौन कौन सा होता है? प्रोटोजोन्स डिजीज में हमारा होता है मलेरिया, है ना, मलेरिया हो गया, अमीबिक डिसेंट्री हो गया, राइट। ये दोनों क्या था? प्रोटोजोन्स डिजीज थे। और भी प्रोटोजोन्स डिजीज है, ठीक है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है तो हम लोग इतना ही भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो और नेक्स्ट हमारा मलेरिया हो गया, ये हो गया प्रोटोजोन, और ये हमारा हेलमेंट्स डिजीज, ठीक है। हेलमेंट्स डिजीज में भी दो दिया हुआ, एस्कैरियासिस और एलिफेंटियासिस और फेरियरेसिस, ठीक है। एलिफेंटियासिस मतलब हाथी पाँव, एलिफेंट से ही बना हुआ, मिलता जुलता वर्ड है हाथी पाँव। इसमें ऑर्गन्स का क्या, स्वेलिंग हो जाता है, पूरा फूल जाता है इतना मोटा, ठीक है। सो और किससे कहा जाता है? वॉकेरिया बैंक्रॉफ्टी। बहुत ही चीज, सबका डिजीज नाम बस दो तीन बार देखने से, डेली सुबह सुबह शाम जब भी दो तीन बार देखने से सब आसानी से याद हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।